गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब हम आईलेसेस लगा लेते हैं अपनी आईज पे, उसके बाद जो हमें जो कुछ भी हमें वर्क करना होता है आईज पे, वो हम क्या क्या करते हैं। सो बहुत से लोग आईलेसेस लगा लेते हैं सिर्फ, उसके बाद भी बहुत से काम बाकी रह जाते हैं, वो लोग वो नहीं करते। सो इस वीडियो में वो सब मिलेगा आपको। सो बने रहे वीडियो में, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जब हम आईलेसेस लगा लेते हैं उसके बाद हमें क्या क्या काम करना होता है, अपने आईलेसेस लगाने के बाद आंखों पे क्या क्या काम करना होता है। तो वो मैं बता दूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ मैं ले रही हूँ एन बाय बे का वाइट कलर का काजल, जो कि आप ब्लैक भी लगा सकते हो, ऐसे नहीं है, पर वाइट से जो लुक आता है गाइस, सो वो आप लोग देख सकते हो कि कैसा लुक आएगा। सो सबसे पहले मैंने इधर ले लिया एक मिरर, उसके बाद मैंने वाइट कलर का काजल ले लिया है। अब इस काजल को मैं अपनी आईज पे इस तरीके से लगाऊंगी, आई थिंक सो इससे थोड़ा बड़ी बड़ी आंखें दिखती हैं गाइस और शाइनिंग आती है आंखों में। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैंने व्हाइट कलर का काजल फिलअप कर लिया है अंदर, दोनों साइड कर लूंगी। सो व्हाइट कलर के काजल से आ जाता है आंखों में लुक, और अभी आप लोग मेरी आंखें देख सकते हो। अभी मैंने लाइनर नहीं लगाया है, सो गाइस व्हाइट कलर का काजल मैंने लगा लिया है। हाँ, मैंने MN का मस्कारा लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो। सो अभी मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि मेरी आंखों का लुक कैसा हो जाएगा। सो ये वाले मेरे आईलेसेस देख सकते हो और ये वाले देख सकते हो, दोनों में मस्कारे से कितना वॉल्यूम आ गया है एक में और दूसरे में भी। मैं अप्लाई कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ ऊपर की साइड काजल। आप लाइनर अप्लाई कर सकते हो, पर लाइनर थोड़ा और बेस्ट है। अगर आप पे लाइनर अभी अवेलेबल नहीं है तो आप लगा सकते हो काजल। सो मैं यहाँ काजल लगा रही हूँ। सो गाइस जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आप चाहो तो लाइनर लगा सकते हो, आप चाहो तो काजल भी अप्लाई कर सकते हो स्मज करके। सो गाइस मैंने दोनों आंखों पे अपनी पे काजल अप्लाई कर लिया है स्विस ब्यूटी का। सो इससे मैं अपनी उंगली से स्मज करूँगी, आप चाहो ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो, तो मैं इन उंगली से थोड़ा स्मज कर लूँगी, इसे फैला दूँगी थोड़ा लुक अच्छा लाने के लिए। हल्का हल्का फैलाना है, ज़्यादा नहीं, फिर आपका आई शेडो नहीं शो होगा। सो इसलिए मैं दोनों आंखों पे हल्का हल्का फैला लूँगी, जैसे कि वो कवर अप हो जाएगी आपकी जो आईलेसेस लगाई है आपने, तो वो कवर अप हो जाएगी गाइस। इसके लिए ये था वीडियो। सो गाइस यही था मेरा फाइनल लुक, अब आप देख सकते हो। सो मैंने इस वीडियो में क्या बताया था कि हमें फेक आईलेसेस लगाने के बाद क्या क्या हमें अप्लाई करना होता है या लगाना होता है गाइस। सो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें काजल लगाना होता है। आई थिंक आपको ब्लैक या मतलब ब्लू कोई सा भी कलर का काजल लगा सकते हो, वाइट लगाओगे तो एकदम ओवर के आएगी आपकी आँखें इस तरीके से। सो और फिर उसके बाद हमें लाइनर लगाना होता है, देन हमें मस्कारा। आप चाहो तो मस्कारा पहले लगा लो उसके बाद लाइनर, पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, आप पहले लाइनर ही लगाएं उसके बाद मस्कारा लगाएं। सो अगर लाइनर नहीं है आप पे तो आप काजल अप्लाई कर सकते हो, उसे स्मज कर सकते हो उंगली से।
या फिर अपनी कोई ब्रश से, ब्लेंडिंग ब्रश से। सो यही था मेरा इस वीडियो में बताने का, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी चेक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मैं अपनी स्टोरी वगैरह बहुत सी पिक वगैरह डालती रहती हूँ। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो टिल देन बाय बाय।